नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बीबोस का एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना बताऊंगा। अगर आप लोग दोस्तों ऑफलाइन एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप लोगों को पहले से ही भर के फॉर्म भर के रख लीजिए, जान अपना समय बचाना चाहते, तो क्या करिए दोस्तों, आप लोग जो है बीबोस के ऑनलाइन वेबसाइट पे, ऑनलाइन मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप लोग क्या करिए दोस्तों, उसका जो है एडमिशन का फॉर्म जो है डाउनलोड कर लीजिए और उसको भर के रख लीजिए, जिससे कि आप लोग अगर कहीं भी जा रहे हैं, स्टडी सेंटर में एडमिशन के लिए जा रहे हैं या मेन सेंटर में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, बीबोस में जो भी है 10th 12th का जो एडमिशन फॉर्म है, वो आप लोग क्या कर सकते हैं, बीबोस के साइट पर जाके डाउनलोड कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये दोस्तों ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेंगे तो जो फॉर्म आप लोगों को भराया जाता है, वो फॉर्म आप लोग जो है क्या बीबोस के साइट पे जाके आप लोग डाउनलोड करेंगे किस तरह से, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बनाने वाला बताना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, बीबोस के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। कैसे जाएंगे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे बीबोस, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे बीबोस सर्च करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बीबोस क्या कर लिए, सर्च कर लिए। जैसे ही बीबोस सर्च किए दोस्तों, तो हमारा ये इस तरह से पेज खुलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो जैसे सर्च किए दोस्तों, क्या हुआ हमारा ये बीबोस पे हमारा क्या हुआ, ये एक पेज खुल जाएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये हमारा देख रहे हैं दोस्तों, पेज खुल गया ऊपर में। जैसे ही देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बीबोस होम पे आप क्लिक करिएगा, तो आपका जो देखिए मेन वीवोस का जो ऑफिशियल मेन वेबसाइट है, वो आप लोगों को खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब भी आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सपोर्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे जाएंगे। चलिए दोस्तों, कहाँ पे जाना है आपको, स्टूडेंट सपोर्ट है लिखा हुआ, वहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो देख रहे हैं आपको, इसको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास इस तरह से खुल जाएगा। तो आप लोगों को क्या दोस्तों, एडमिशन फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एडमिशन लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये फॉर्म जो लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करिएगा, तो ये फॉर्म आप लोगों को क्या PDF फाइल जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कहीं भी साइबर में जाके इसको क्या कर लीजिए, अपना प्रिंट निकाल लीजिए, और प्रिंट निकाल के आपको भर के जहाँ भी एडमिशन करने जा रहे हैं वहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे आपको स्टडी सेंटर में जहाँ भी जाइएगा फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन ये दोस्तों अगर फॉर्म अगर आप लोग अपने पास रखना चाहते हैं, डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बीबोस का जो ऑफलाइन जो फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है, तो वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं एडमिशन फॉर्म ये है, ठीक है दोस्तों। इस पर आप, ये एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो हमको क्या एडमिशन फॉर्म से अभी डाउनलोड करना है, तो हम दोस्तों ये एडमिशन फॉर्म जो है इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ एडमिशन फॉर्म है, तो डाउनलोड को क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या डाउनलोड को क्लिक किए, तो देखिए दोस्तों मेरा पहले से ही डाउनलोड है, तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, बिहार ओपन बोर्ड का आप लोग देख लीजिए, बिहार ओपन बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन पटना, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पंजीयन आवेदन पत्र, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन जो है जो भी एडमिशन के लिए दोस्तों, ये इस तरह से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सत्र भरना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अध्ययन केंद्र का कोड, जहाँ भी आप अध्ययन केंद्र करना चाहते हैं उसका कोड भर लीजिए, कैसे कोड है, आप लोग जहाँ भी जाए स्टडी सेंटर में जाइएगा तो वो कोड आपका जो भी टीचर आपको बता देगा। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आवेदक का नाम, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना माता का नाम, यहाँ पे दोस्तों अपना नाम, यहाँ पे पिता का नाम दीजिए, जो भी सारी डिटेल है आप यहाँ पे अपना एड्रेस भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना एड्रेस भर सकते हैं। फिर यहाँ पे अनिवार्य आपको 5 विषय सुनना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, और ये अतिरिक्त विषय आप अगर चुनना चाहते हैं चुनिए जो भी। अब यहाँ पे इनका एक कोड होता है, ठीक है दोस्तों, जो भी आप मैथ का कोड अलग होता है, फिजिक्स वो सोशल साइंस का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, फिर सोशल साइंस के बाद क्या संस्कृत का अलग हो गया, हिंदी का अलग है, जो भी कोड है आपको यहाँ पे आपको कोड फिल करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जो भी है यहाँ पे आप राष्ट्रीयता, धर्म, जो भी लिंग वगैरह, वर्ग, आप जो भी कोटि के में विकलांग है तो विकलांग, पूर्व योग्यता, आपका पहले जो आपने क्वालिफिकेशन है वो, परीक्षा का माध्यम हिंदी देना चाहते हैं, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप अपना जो है तिथि डाल दीजिए, यहाँ पे हस्ताक्षर अंग्रेजी में करिए दोस्तों, यहाँ पे क्या इंग्लिश में करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ हिंदी में हस्ताक्षर करिए, ठीक है दोस्तों। सिग्नेचर जो है यहाँ पे आपको हिंदी में करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे प्रमाणित किया हुआ फोटो, फोटो लो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको
यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्यागन पत्र, मतलब कि SLC होता है, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, 8वां का है जो भी है, आप 10वीं में एडमिशन करवाना चाहते हैं, जो भी जहाँ भी एडमिशन करवाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर देखिए दोस्तों, 10वीं का अंक पत्र, अगर आप 10वां में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12वां में एडमिशन करवाइएगा तभी जो 10वीं का यहाँ पर देना पड़ेगा, 10वां में तो यहाँ पर देना नहीं। और यहाँ पर दोस्तों क्या भुगतान, जैसे आप शुल्क दे रहे हैं, जो भी शुल्क है यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे तिथि डालिए, यहाँ पे जो भी अध्ययन केंद्र है, अध्ययन जहाँ पे भी आप, मैंने बताया, जहाँ भी अध्ययन केंद्र, स्टडी सेंटर पे जाइएगा, जो टीचर है वहाँ का आपका मोहर लगेगा, फिर हस्ताक्षर होगा उस टीचर का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म जो डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया, किस तरह से जो है ऑफलाइन फॉर्म जो भर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।